समझेंगे। अभी हम लोग फिजिक्स में मानव नेत्र और दृष्टि दोष, ये पूरे टॉपिक को हम लोग खूब ईमानदारी के साथ समझेंगे। ईश्वर ने अगर हम लोग को सबसे बढ़िया कोई चीज दिया है वो आंख है। एक दिन आंख बंद करके आप पढ़ने आ जाए तो आप कल्पना कर सकते हो कितना महत्वपूर्ण चीज होगा। बैठने वाले और सुनने वाले एक एक व्यक्ति करोड़पति नहीं अरबपति हो। सोचो एक व्यक्ति ने जब डॉक्टर उसका हार्ट का ऑपरेशन किया और भौल बदलने के बाद कहा कि 10 लाख आपको देना पड़ेगा, वो व्यक्ति रोने लगा वो व्यक्ति। तो डॉक्टर को लगा कि लगता है ज्यादा मांग दिए। डॉक्टर ने कहा कि बहुत ज्यादा मांग दिए क्या? व्यक्ति ने कहा कि नहीं, आप तो ठीक ही मांगे, आप केवल एक भौल बदले हैं तो 10 लाख मांग रहे हैं, और ऊपर वाले ने मुझे पूरा हृदय दिया है, आंख दिया है, किडनी फेफड़ा दिया है, कितना करोड़ों का चीज दिया है उसको हम याद नहीं करते। तो सोच सकते हैं कितना महत्वपूर्ण चीज आपके पास है, और उसी के पूरे बनावट दृष्टि दोष तमाम चीज हम लोग पढ़ेंगे। तो हम पूरे प्रयास करेंगे कि आप मानव नेत्र में बढ़िया से आंख को भी आप देख पाए। जब तक आप बढ़िया से देखेंगे नहीं, कंसेप्ट आपका नहीं होगा, तब तक बात समझेंगे नहीं। ये आंख के, अब कई लोग फिजिक्स में आंख का मतलब सीधे गोल पार्ट बना लेता है, रेडीमेड रटते रहता है, और जीवन भर रियल आंख का आयरिस कौन है, कॉर्निया कौन है, उसको समझ में नहीं आता। पहले तो मैं चाहता हूं कि आपके दोनों आंख के बारे में कुछ बातें समझा दूं। आपका दोनों आंख एक दूसरे से ज्वाइंट है। ईश्वर ने आपको दो आंखें दिया है, दुगना देखने के लिए कि दृष्टि क्षेत्र बढ़ाने के लिए, तो सही आंसर है दृष्टि क्षेत्र बढ़ाने के लिए। आप अगर एक आंख रहे तो किसी व्यक्ति का मान लें सपोज यहाँ पे एक आंख रहता है, उसके दोनों आंख नहीं, तो किसी व्यक्ति के दोनों आंख अगर नहीं रहेंगे तो वह अभी आपके दो आंख रहने पर 180 डिग्री का लाइन क्लियर है। इस सिद्ध में कोई भी आएगा तो आप देख सकते हो, कितना मजेदार बात है। सोचो आप सीधा देख रहे हो फिर भी 180 डिग्री में कोई आदमी इन करेगा तो बिना गर्दन घुमाए देख सकते हो। कुत्ते में यह फैसिलिटी 270 डिग्री तक ईश्वर ने दिया, इसीलिए सुरक्षा के लिए अगर व्यक्ति भी है और कुत्ता भी है तो कुत्ता एक बार में ज्यादा एंगल तक बिना गर्दन घुमाए देख सकता है। और हर जीवों में आंख का एंगल अलग अलग है और उसके अनुसार से हम लोग देखते हैं। हमारी दोनों आंखें अलग अलग चीज देखती, एक चीज नहीं देखती। आप एक आंख बंद करके किसी चीज पर एकदम निशाना लगाए और उसको फिर खोल के दूसरा आंख से देखें तो आपका एंगल चेंज हो जाएगा। और जब दोनों आंख अलग अलग देखते हैं और फिर हम लोग एक साथ उसको देखते हैं तो यह त्रिविमीय थ्री डायमेंशनल पिक्चर हमारे दिमाग में इमेज बनाता है। तो पहले हम देखे दोनों आंख हमारा जुड़ा हुआ है, दोनों आंख रहने के कारण हम ज्यादा दृष्टि क्षेत्र 180 डिग्री तक क्लियर कर पाते हैं। अब मुख्य रूप से हम लोग इस आंख के बनावट की ओर चलते हैं। तो सभी लोग अब इसमें आंख के मुख्य रूप से बनावट पर अभी सब लोग ध्यान देंगे। हम प्रयास कर रहे हैं कि जो भी लोग हैं इस आंख को खूब बढ़िया से देखें और समझें। आंख में जो उजला वाला पार्ट आप देख पा रहे हैं इसी का नाम दृढ़ पटल, अंग्रेजी में इसको स्क्लेरोटिक कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले को इंग्लिश में नाम लिखा हुआ, फिगर हम तुरंत लाएंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। तो उजला वाला जो सेक्शन आप देख पा रहे हैं इसका हिंदी नाम दृढ़ पटल है और इंग्लिश में स्क्लेरोटिक कहते हैं, और यह पूरे गोलाकार होता है, नेत्र को निश्चित आकार प्रदान करता है। ये अंदर तक आपका गोल है। और आंख में ये जो आगे हिस्सा आप देख पा रहे हैं, यही जो आगे हिस्सा है इसी को हम लोग कॉर्निया कहते हैं। यही कॉर्निया है, आंख में जो आगे देख पा रहे हैं। देखिए आंख के साथ आपको पूरे समझना है, फिजिक्स वाला किताबी फिगर अभी छोड़ दीजिए। कई बच्चे को हम देखते हैं किताबी फिगर ठीक रखता है, रियल में ना उसे कॉर्निया पता ना रेटिना पता, इसलिए हमने आंख लाया कि पहले देख के समझ ले। अब बताएं कॉर्निया किस रंग का होता है, आपके लिए प्रश्न है। कॉर्निया का कलर होता है उजला, भूरा रंग का, कि इसमें काले रंग का, कि किसी रंग का नहीं। आपका आंसर निश्चित काला या भूरा के इर्द गिर्द घूम रहा होगा। और इसीलिए मजेदार बात है कॉर्निया का कोई कलर नहीं है, ये पारदर्शी झिल्ली।
बात को समझेंगे, हम लोग के आंख के आगे जो कॉर्निया जो आपको दिखा रहा है, कलर उसके अंदर है, कॉर्निया में कोई कलर नहीं है। यह नेत्र का पारदर्शी भाग, ईश्वर का दिया हुआ बहुत बड़ा तोहफा, पारदर्शी चमड़ा। अब आप समझ सकते हो चमड़ा पारदर्शी है, कितना महत्वपूर्ण चीज। और आज हमारे वैज्ञानिक बहुत बड़े बड़े जहाज और तमाम चीज बना चुके हैं, एक कॉर्निया नहीं बना है। कॉर्निया के लिए अगर किसी व्यक्ति का पूरा आंख ठीक है तो नेत्र दान में वे किसी व्यक्ति से कॉर्निया का दान ले सकते हैं। और इसीलिए कॉर्निया के साथ महत्वपूर्ण चीज है, इन नेत्र दान में कॉर्निया का ही दान करते हैं। इसी की सहारे लाइट आंख में प्रवेश करता है, इसे मानव नेत्र की खिड़की कहते हैं, विंडो ऑफ आई। कोई व्यक्ति जो चाहते हो मरने के बाद भी व्हाट्सएप चलाए, फेसबुक चलाए, इंटरनेट चलाए, यूट्यूब चलाए, तो एक ही उपाय है, परिवार वाले को बोलो कि मरने के बाद मैं तो नहीं रहूंगा लेकिन मेरा आंख डोनेट कर देना। और आपका आंख डोनेट का मतलब ये भी मत समझना कि डॉक्टर पूरे आंख निकाल लेगा, गड्ढा कर देगा मरने के बाद, केवल ऊपर का पारदर्शी चमड़ा निकालेगा, काला वाला भी छोड़ देगा। मरने के बाद या तो धर्म के अनुसार जलाए जाओगे या गाड़ दिए जाओगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप समझ सकते हो कि अगर आप नेत्र दान में इस आंख को किसी को दे दिए, पूरा आंख दान नहीं होता। आज डॉक्टर के पास कोई ऐसा फार्मूला टेक्नोलॉजी नहीं है कि जिसका पूरा आंख गड्ढा हो गया फिर से बदल दे, जिसका सब स्क्लेरोटिक उजला वाला ठीक है, अंदर लेंस ठीक है, रेटिना उसका ठीक है, तो सिर्फ आगे कॉर्निया में गड़बड़ी है या तो चोट लगने से या किसी कारण से, तो वो व्यक्ति किसी मरे हुए व्यक्ति के नेत्र दान में दिए गए कॉर्निया से फिर से देख सकता है। और सोच लो यदि आपके मरने के बाद भी किसी व्यक्ति के कॉर्निया से कोई देखता है और कहता है कि भगवान उसका भला हो जो हमको आंख दिया है, तो नरक भी रहेगा तो एक दो प्रमोशन संभव है। लगेगा कि हाँ इतना नाम लिया जा रहा है, इसको प्रमोट कर देते हैं। सोचिए कितना मजेदार बात। अब महत्वपूर्ण बात हम लोग देखें, कॉर्निया पारदर्शी झिल्ली हुआ, इसका कोई कलर नहीं है, नेत्र दान में इसका दान करते हैं। और कई व्यक्ति जिनको हेपेटाइटिस बी से, एड्स से, कई ऐसे रोग हैं जिससे मृत्यु होगा तो वो कॉर्निया दान नहीं कर सकता। अब किसी व्यक्ति को टेटनस हो गया और उसके कारण मृत्यु है, एड्स हो गया उसके कारण मृत्यु है, हेपेटाइटिस बी जॉन्डिस के अगले स्तर से वो मर रहा है, तो उसका नेत्र दान में कॉर्निया दान नहीं हो, बाकी व्यक्तियों का कॉर्निया दान हो सकता है। अब महत्वपूर्ण चीज चले, कॉर्निया के अंदर जो आप देख पा रहे हो यही हमारा आयरिस है। इंग्लिश में आयरिस, हिंदी में इसको पारितारिका कहते हैं। आयरिस या पारितारिका एक ही नाम, पारितारिका हिंदी में है, इंग्लिश में आयरिस। मैंने इंग्लिश को ही देवनागरी में भी लिखा है। अब महत्वपूर्ण चीज समझना, आयरिस कॉर्निया के अंदर है और यही मानव नेत्र का रंगीन भाग है। पूछेगा मानव नेत्र का रंगीन भाग किसे कहते हैं, तो आयरिस या पारितारिका को। ये हमारे आंख का रंगीन भाग है। कई व्यक्तियों में ये भूरा होता है जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हो, कई व्यक्तियों का ये काला भी हो सकता है, तो किसी का भूरा किसी का काला, ये जो आंख परिवर्तन आप देखते हो ये आयरिस के कारण। ऑब्जेक्टिव आएगा कि बताओ नेत्र का रंगीन भाग कौन है, आयरिस। और आयरिस के अंदर अब महत्वपूर्ण चीज देखें, इसी का नाम है पुतली, प्यूपिल। ये पुतली अब महत्वपूर्ण है, ये आयरिस के अंदर छोटा सा स्पॉट। आप ठीक से देखोगे तो काला के अंदर एक और काला है, उसी को हम लोग पुतली कहते हैं। और यह आपको ईश्वर ने फुल्ली ऑटोमेटिक बॉडी दिया है, पूरा ऑटोमेटिक मशीन है। आप सोचो आपको बहुत सारा मिठाई दे दे, पैसा नहीं कि सब खा जाओ, खाओगे और जैसे ही अंदर मशीन भर गया दिमाग ऑर्डर देगा कि मत उठाओ,
पत्तल में गिरा भी दिया, दिमाग कहेगा मत उठा, छोड़ दो, छोड़ देते हो। पानी दे दिया बहुत बड़ा गिलास से, जितना काम है उतना ही खींचोगे, बाकी छूट जाएगा। कितना ऑटोमेटिक मशीन है सोचिए। और ईश्वर ने पुतली को भी फुल्ली ऑटोमेटिक बनाया है। थोड़ा सा भी ज्यादा प्रकाश आएगा तो सिकुड़ जाएगा, और कम प्रकाश में फैल जाएगा। पुतली का काम है प्रकाश का नियंत्रण करना। आपको ऑब्जेक्टिव आएगा कि नेत्र में प्रकाश का नियंत्रण कौन करता है? आंसर पुतली। आप कई बार देखे होंगे सूर्य की ओर देखो तो देखना, अचानक पुतली तुम्हारा कहेगा कि इतना लाइट, शटर गिराओ, शटर गिराओ, तुरंत शटर डाउन कर दे। और उसके बाद आप इधर उधर देखोगे तो आपको अंधेरा महसूस होगा। आप तो कई बार ऐसा महसूस किए हो। तो सोचें, वो आपका पुतली ही है जो लाइट का नियंत्रण करके जितनी मात्रा अंदर चाहिए वो भेजता है। तो पहला राउंड तो हम समझते हैं कि आंख के ये बाहर से दिखने वाला पार्ट, अब कुछ पार्ट इसके अंदर है जिसे हम लोग खुली आंखों से बाहर से नहीं देख सकते। अब पूरे अस्तिक्चर पे आते हैं। पहले बाहर वाला चीज तो ध्यान में आ जाए, उजला वाला का नाम दृपटल। फिर हम लोग देख पा रहे हैं कि बीच में जो हम लोग देखे पारदर्शी चमड़ा है उसका नाम क्या है? कॉर्निया। कॉर्निया के बीच में जो काला है उसका नाम क्या है? आयरिस। और आयरिस के बीच में जो है उसका नाम पुतली। प्रकाश का नियंत्रण कौन करता है? पुतली। नेत्र दान में किसका दान करते हैं? कॉर्निया का। मानव नेत्र का रंगीन भाग कौन है? आयरिस। ये बेसिक था। अब हम लोग मुख्य फिगर में आ जाए। जो लड़के का बेसिक फिगर ठीक होता है वही लड़के मुख्य फिगर अच्छा समझ सकता है। डायरेक्ट मुख्य फिगर में आएंगे कभी नेत्र तुम्हारा क्लियर नहीं हो। तो अब हम लोग मुख्य रूप से पूरे फिगर पर इसमें हम लोग आते हैं। ये आप देख पा रहे हो मानव नेत्र का यहाँ पे फिगर। और मानव नेत्र के फिगर में अब हम उस पार्ट को आपको डिटेल करें। तो देखिए, अब डिटेल एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करें। जो ये पूरा पार्ट आप देख पा रहे हो बाहर की ओर से गोलाकार है, इसी का नाम आप देख पा रहे हो स्क्लेरोटिक। स्क्लेरोटिक है। इसी में हम लोग देखें आगे जो ब्लू वाला लाइन देख पा रहे हो, यही लाइन का नाम क्या है? कॉर्निया। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्निया। नेत्र दान में इसी का दान करते, ये पारदर्शी चमड़ा। और कॉर्निया के बाद हम लोग जो देख पा रहे हैं इस टाइप का, इसी का नाम है आयरिस। इसका नाम क्या है? आयरिस। नेत्र का ही रंगीन भाग। और यही जो बीच में आप देख पा रहे हो इसी का नाम है पिपिल, जिसको हम लोग क्या कहते? पुतली, जो प्रकाश का मुख्य रूप से नियंत्रण करता है। इतनी पार्ट आपको बाहर से हमने दिखा दी। अब अंदर के पार्ट को खूब बढ़िया से समझे। जब हम लोग बकरे का आंख या किसी जीव का आंख काटेंगे, मरा हुआ बकरा है और उसका आंख आप ले लें ब्लेड से काटे, तो आप देखोगे अंदर बहुत बढ़िया एक उत्तल लेंस मिलेगा। यह लेंस कांच का नहीं है, प्रोटीन का बना हुआ होता है। और यह उत्तल लेंस जैसा, कॉन्वेक्स लेंस जैसा कार्य करता है। और आप ऐसे भी देखे होगे, तुम चार मंजिले ऊपर चले जाओ और नीचे की ओर देखो, वस्तु छोटा दिखाई दे। 10 मंजिले ऊपर चला जाओ और छोटा हो जाएगा। तो ये वस्तु बड़ा छोटा इसी लेंस के कारण होता है। और लेंस हम लोग का सिलियरी मसल्स द्वारा जुड़ा होता है। ये जो आप देख पा रहे हो लाइनिंग, यही सिलियरी मसल्स है। ये सिलियरी मसल्स के द्वारा ही लेंस जुड़ा हुआ है। और लेंस में, आदमी के आंख के लेंस में एक क्षमता है, समंजन क्षमता। और इसी क्षमता के कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी ऑटोमेटिक बदल सकता है। इसीलिए हम नजदीक और दूर सभी वस्तु देख पाते हैं। आप सोचो, कैमरा कितना भी महंगा क्यों नहीं ले लो, उसकी फोकस दूरी निश्चित होती। आप कैमरा से फोटो लोगे तो उसका लिमिट है कि तुम कट जा रहे हो। आंख में कभी सुने हो कि इधर बैठो कट जाते हो? कैमरा से दिन भर क्लिक क्लिक मारो, दिन भर रिकॉर्डिंग करो, रात होते होते लिख देगा मेमोरी फुल, सम डाटा डिलीट। आंख में कभी ऐसा सुना कि दिन भर देख रहे हैं मेमोरी फुल, सम डाटा डिलीट?
कितना इंपॉर्टेंट उपकरण आपके पास है कल्पना कर लो। ये इमेज बनाता है और वहां से माइंड में जाता है, सब फुल्ली ऑटोमेटिक। और इसमें हम लोग देखें आंख के लेंस के फोकस दूरी ऑटोमेटिक बदलता है, और ये जो जुड़ा हुआ लेंस है इस सिलियरी मसल्स से जुड़ा है। आपको मसल्स भी हम दिखा ले, आप जितना इसमें देखोगे उतना ही बढ़िया है। आंख आप देख पा रहे हो और किनारे में यही जो लाल रंग का देख पा रहे हो यही सिलियरी मसल्स, यही दोनों साइड आंख में जो तुम देखते हो वो अंदर से लेंस को पकड़े हुए। तो देखिए सिलियरी मसल्स भी आप लोग देख लिए, आंख के किनारे करेंगे तो एक गोल जैसा दिखाई दे, और गोल लाल जैसा जो दिखाई दे रहा है वो सिलियरी मसल्स, वो अंदर से लेंस को पकड़े हुए। और लेंस में ऑटोमेटिक एक क्षमता है, समंजन क्षमता, फोकस दूरी कम और ज्यादा करने वाला। अब नेक्स्ट हम लोग देखें, यहां पर एक लिक्विड है पूरा गाढ़ा तरल पदार्थ, इसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं। एक्वस ह्यूमर, आंसू इसके आगे है अश्रु ग्लैंड। आपको जान के आश्चर्य होगा अश्रु ग्लैंड जो आप देखते हो ये अश्रु ग्लैंड बच्चों में नहीं होता है, जब हम बड़े होते हैं तब डेवलपमेंट होता है। मनुष्य में भावना को दिखाने के लिए ईश्वर ने आंसू दिए कि आप अपनी भावना को दिखा सको कि हम दुखी है, खुश होके भी रो सकते हो। बाकी जीवों में ऐसा नहीं है, गाय भैंस का आंसू देखते हो तो खुश और दुख में नहीं रोता है, उसको खूब मकान में भूसा गिराओ और आंख में धूल कण जाएगा तो रोने लगेगा, अगला दिन आंख भींगा हुआ रहेगा। ये नहीं कि उसका बच्चा लेके चले जाओगे तो बैठ के लगेगा कि हाँ इतना रो रहा है कि बूंद बूंद टपक रहा। ये हो सकता है खूब चिल्लाया तो उसका आंख में प्रेशर पड़े तो थोड़ा वो निकल गया, वो भावना रिप्रेजेंटेशन के लिए जीवों में नहीं, ऐसा नहीं देखोगे कि हाँ भावना के लिए वो रो रहा है, मनुष्य कर सकता है। और बच्चों में ही नहीं होता है, मजेदार बात है। अब सोचो तुम्हारे घर में अगर एक माह का बच्चा है तो आज जाके कस के उसको छुट्टी काट लो, खूब कस के भे भे करेगा, लेकिन ध्यान से देखना आंसू नहीं गिरेगा, अश्रु ग्लैंड नहीं है उसका। जब वो बात समझने लगता है थोड़ा बड़ा हो जाता है तब उस ग्लैंड का फॉर्मेशन होता है। और कई लोगों में दुर्भाग्य की बात है अश्रु ग्लैंड बनता भी नहीं है। बेचारा का जब अश्रु ग्लैंड नहीं बनेगा तो बेचारा का कितनों प्रयास करेगा, ये ग्लैंड ही नहीं है तो आंसू कहां से आए। अब उसके यहां कोई मर भी गया और इसको आंसू नहीं आ रहा है तो अगला कहेगा आदमी है, एकदम काठ है, एक बूंद आंसू नहीं गिरा उसको। अरे बेचारे का अश्रु ग्लैंड ही नहीं है, कहां से बेचारा आंसू निकाले। तो अश्रु ग्लैंड की बात भी आप समझ रहे हो कि ये आगे का हिस्सा तुम्हारा अलग से, इसमें गाढ़ा द्रव एक्वस ह्यूमर है और यहां पे पूरा गाढ़ा द्रव ये विट्रियस ह्यूमर कहलाता है, ये सब गाढ़ा द्रव। और अब अंदर के पार्ट को समझें, जो लाइट आंख में अंदर आ जाए वो रिफ्लेक्ट होके बाहर ना जाए, परावर्तित ना हो, उसके लिए आंख में काले रंग का कोराइड होता है। आपसे पूछेगा कि बताओ नेत्र में प्रकाश जो अंदर आ गया उसके परावर्तन से रोकने वाला कौन है, कोराइड। कोराइड का काम है प्रकाश के परावर्तन को रोक देना। और अब हम लोग सबसे महत्वपूर्ण पार्ट पे चले आए, यहीं से मेन क्वेश्चन बनता है। नेत्र में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब इसी रेटिना पर बनता है, ये जो आप देख पा रहे हो ये रेटिना है, और रेटिना नेत्र में पर्दा का काम करता है। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, परंतु रेटिना दोनों तरफ से आके जिस पॉइंट से जुटता है इसको अंध बिंदु कहते हैं, ब्लैक पॉइंट कहते हैं, ब्लैक स्पॉट कहते हैं। बीच में एक येलो पॉइंट भी है जिसको पीत बिंदु कहते हैं। बात समझना ठीक से, ये दोनों बात को खूब ध्यान से समझना। रेटिना में ही पीत बिंदु है और रेटिना में ही अंध बिंदु। अंध बिंदु नाम ही अंध है, इसको प्रकाश के लिए सुग्राही नहीं, ये जितने भी सेंस होते हैं ये सारे को सिलियरी मसल्स द्वारा या नर्वस सिस्टम द्वारा माइंड में भेजने का काम करता है। हम लोग जो भी देखते हैं, आपको एक बात और बता दें तो बड़ा आश्चर्य होगा, ईश्वर ने जान के सभी मनुष्य को डबल इंजन का मशीन बनाया है, रेलवे जैसा,
आगे से चला लो या पीछे से चला लो, डबल इंजन। आपका जो दाहिना हाथ पैर है वो सभी बायां इंजन से चलता है। जैसे रेलवे में देखना, पीछे रहेगा तो आगे जाएगा, आगे है तो पीछे जाएगा। तो इंजन तुम्हारा कितना बेजोड़ है, दायां हाथ पैर उठ रहा है तो समझो बायां इंजन, और बायां हाथ पैर उठ रहा है तो दाहिना इंजन। कई व्यक्ति को तुम देखना एक इंजन फेल हो गया, अगर उसका बायां साइड का इंजन फेल हो गया तो दायां हाथ पैर उठना बंद हो गया, और उसी को लोग कहता है लकवा, पैरालिसिस मार दिया। लोग पूछेगा कि की धार, तो दायां हाथ पैर, तो समझना बायां इंजन फेल। देखो दायां हाथ पैर का मतलब बायां इंजन फेल, और बायां हाथ पैर का मतलब दायां इंजन फेल है। दोनों इंजन के लिए अलग अलग स्टॉपेज है। डॉक्टर सोच लीजिए, अगर किसी का दायां हाथ नहीं उठ रहा है तो ऑपरेशन बायां साइड में करेगा तो उधर गड़बड़ी हो, और जिसका दोनों इंजन फेल है वो बेचारा का हाथ पर, खाने पीने से हाथ पर नहीं उठता है। आप खूब खाओ ना पूड़ी वगैरह, खूब सब्जी मार दो, और दिमाग वहां पर अगर तुम पालथी मार के बैठ गए हो और पैर का कनेक्शन कट गया है माइंड से, तो जैसे ही उठोगे तो डिस्कनेक्ट किए हुए है। आप उठोगे और लगेगा चले, माइंड कहेगा खबरदार कनेक्शन पहले जुड़वाओ, तो तुम कहोगे कि लगता है झुनझुन्नी भर गया है। खड़ा तब तक रहोगे जब तक कनेक्शन नहीं जुट जाता है। तो सोच लो पूरी सब्जी से कुछ नहीं होता, माइंड के कनेक्शन से चलते, और आपका आंख माइंड में सीधा सूचना देता है। और यहां पर एक ऑब्जेक्टिव है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, परंतु दिमाग में इसकी सीधी सूचना बनती है। और अब एक दो महत्वपूर्ण बात आपको डिस्कस कर दे, जो छोटी बातें आपको पूछ सकता है। रेटिना में ही पीत बिंदु होता है, और पीत बिंदु रेटिना का पार्ट है। इसमें कोन और रड होते हैं, छड़ और शंकु। ए छड़ जैसा स्ट्रक्चर और शंकु जैसा स्ट्रक्चर। इसको अंग्रेजी नाम इसीलिए बोले कि आपको शैतानी करने वाला खूब सेटर शैतानी करेगा, पूछ देगा आंख में कौन कहां स्थित होता है। लड़के कौन, ये क्या दे दिया कौन, कौन मींस शंकु। कई बार तो और बनमासी करेगा कि मानव नेत्र में रॉड कहां पर होता है। लड़के रॉड आंख में कहां हो गया। इसीलिए इंग्लिश को देवनागरी में भी लिख रहा है आपके साथ, जो समस्याएं हो सकती है उसको एकदम ध्यान से समझिए। रॉड और कोन, छड़ और शंकु है जो रेटिना में स्थित, और रेटिना में यह प्रकाश के लिए बहुत सेंसिटिव है, सुग्राही है, और इसी के द्वारा रंगों का ज्ञान प्राप्त होता है। हम लोग जिस वस्तु को देख पाते हैं उसका कलर देख पाते हैं, इस सब छड़ शंकु की कृपा है। हम लोग की आंखें मुख्य रूप से तीन कलर, जो प्राइमरी था रेड ग्रीन और ब्लू, इसके लिए मेन सेंसिटिव है, और फिर इनकी अलग अलग मात्राओं के कारण मानव नेत्र 84,000 कलर को पहचान सकता है। जिन जीवों में छड़ शंकु नहीं है वे कलर नहीं पहचान सकेंगे। तुम मानो जो भी हो, कलर टीवी हो, कलर टेलीविजन, मुर्गी का बच्चा हो बेचारा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है। ऐसा नहीं है कि तुम खूब बढ़िया हरा हरा शर्ट और लाल लाल शर्ट पहन के मुर्गी के पास जाओगे तो मुर्गी बात करेगा कि बड़ा लाल पहन के निकला। वो बेचारा ब्लैक एंड व्हाइट देख रहा है, उसको कोई कलर दिखाई नहीं देता। मनुष्य कलर देख सकता है, वो भी 84,000। कुछ जीव एक दो कलर, 10 कलर तक पहचान सकते हैं, बंदरों की वेराइटी में ऐसे मिलते हैं। बाकी कई बात आप ध्यान रखोगे, कुछ लोग हमेशा सोचते हैं कि साढ़ लाल रंग देके भड़क जाता है। ये वाला एक सब लोग जानता हो कि सांड लाल रंग देके भड़क जाता है। तो मजेदार बात आपको बता दें, सांड के लिए भी कलर का सिस्टम लाल से कोई मतलब नहीं है, लाल से कोई मतलब नहीं है, ये तो एक जस्ट कहावत होगी। आप जानते हो स्पेन का राष्ट्रीय खेल बुल फाइटिंग, सांड से लड़ाई है। टीवी में कई बार तुम सांड की लड़ाई देखे होगे, और वहां सांड को एक्साइटेड करने के लिए, लड़ने के लिए रेड कलर प्रयुक्त केवल नहीं है, सांड के आंख के आगे किसी कलर का कपड़ा 2-3 बार आप बढ़िया से झाड़ दीजिए तो सांड समझ लेगा कि मुझे चैलेंज दे रहा है, चुनौती दे रहा है, और पक्का मारेगा।
अब उसी में थोड़ा कई जगह होता है बिहारी स्टाइल में गमछी लोग ज्यादा लाल वाला ही रखते हैं, अब उसी में हवा से दो तीन बार उड़ा उसको मार दिया तो लोग सोचा कि वो लाल रंग देख के भड़क गया। किसी कलर का तुम कोई कपड़ा सार के आगे अगर थोड़ा सा भी बदमाश है और तुम कहना लो इसको जरा तीन चार बार झाड़ो तो बढ़िया देखना उस ठीक कर देगा कि हम कैसे भड़कते हैं। बात समझ ली? कई बातें आपके दिमाग में उल्टा पुल्टा भी रहता है। कई लोग जानते हो कि सांप बीन का आवाज सुन के चला आता है, कई लोग बीन की आवाज से सांप को नचाते भी देखे हो, कितना मजेदार बात है। सांप उसमें थर्मल कैमरा रखता है, जीव निकाल के टेम्परेचर का अनुभव करके चलता है। उसको बीन उनके आवाज आवाज से कोई मतलब नहीं है, उसको कान होता कहाँ है, छिद्र है छोटा सा, कंपन महसूस करता है। अब सोच लीजिए बीन बजाने वाला तुम देखे होगे, तुम उसको कहो कि ऐसा करो बीन बजाओ मुंह घुमा करके, और सांप अगर सामने आके नाचने लगेगा तो तुमको 1000 हम देंगे। देखना अगर मुंह घुमा के बीन बजाएगा तो सांप निकल के दूसरी ओर भाग जाएगा। और यहाँ हम लोग घर में कहते हैं कि बीन बजाने से सांप आ जाएगा, यहाँ बजा रहा तो भाग जा रहा है, कंडीशन समझे। कई बात हम लोग उल्टा पुल्टा भी सुने हुए हैं, उसको भी हम लोग थोड़ा सा ठीक किए। अब हम लोग महत्वपूर्ण बात समझ ले, क्षण और शंकु ही आपको रंग का ज्ञान करवाता है। आप रंग की जानकारी इसी से लेते हो। दुर्भाग्य से यदि किसी लड़के का कोई एक रंग की शंकु गायब है तो वो रंग उसको काला दिखाई देगा। इसी को कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, जिसका कोई इलाज नहीं है। बात समझ लो, हमारे डॉक्टर आंख में बहुत कुछ नहीं कर सकते, पूरा आंख नहीं लगा सकते। हमारी भी इच्छा थी कि एक आंख हम पीछे लगा लेते, दिमाग की ओर इच्छा थी। 10 लाख लगता 15 लाख मांगता दिया जाता, लेकिन एक आंख पीछे का मतलब टीचर के लिए सबसे बढ़िया 360 डिग्री क्लियर, जिधर से लिखिए मजा। अरे यही ना 15 लाख लगता, मेरा दो इच्छा करता है, एक तो पीछे आंख लगवा ले और एक लगता है कि एक आंख दोनों आंख के बीच में उल्लू वाला लगवा ले। अगर डॉक्टर लगाए तो एक आंख दोनों आंख के बीच में उल्लू वाला लगा दे, 10-15 लाख लगे कोई बात नहीं है, लेकिन उल्लू का आंख लगेगा तो डे नाइट 24 आवर क्लियर, 24 आवर क्लियर है। कोई कहेगा लाइन कट गया, हम कहेंगे हाँ चलो ये आंख खोलते हैं, बड़ा बढ़िया दिखाई दे रहा। दुर्भाग्य डॉक्टर कोई मदद नहीं कर सकते। और इसीलिए हम लोग अभी देखे, यदि किसी लड़के के आंख में खास कलर का शंकु गायब है तो वो कलर वो इस जन्म में नहीं देख सकता, इसका कोई इलाज नहीं है, चाहे तुमको जितना पैसा रहे। कारण है, इस शंकु कहाँ है, रेटिना, रेटिना कहाँ है, नेत्र के सबसे अंदर के भाग, उतना अंदर तक कोई डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करेगा। और इसीलिए बात को समझ लीजिए, इस रोग को कलर ब्लाइंडनेस रंग वर्णता कहते हैं, और कलर ब्लाइंडनेस यह आनुवांशिक जेनेटिक है, जेनेटिक है पीढ़ी दर पीढ़ी। अगर पिताजी के लाल गायब है तो बेटा नहीं तो पोता तक लाल फिर गायब हो, खास कलर गायब होगा। और कुछ परीक्षा में कलर ब्लाइंडनेस का चेकअप होता है, रेलवे के भी कई पार्ट में आपका कलर ब्लाइंडनेस चेकअप होगा, मेडिकल फिटनेस वही। कलर ब्लाइंडनेस में आपको कुछ नहीं किया जाएगा, लाल हरा नीला से ही आपको कई डॉट दिखाए जाएंगे और तेजी में लिखना होगा कितना अंक लिखा हुआ है। जिसको कलर ब्लाइंडनेस होगा यही सब गायब हो जाएगा और कुछ नहीं। टेस्टिंग कलर ब्लाइंडनेस में आपको कई चीज अलग अलग कलर के दिखाया जाएगा, बीच का अंक कितना है पहचानना रहे। अब जो लोग 12 पहचान पा रहे हो, कई लोग अलग पहचान पा रहे हो, तो तुम समझ लो कलर ब्लाइंडनेस का टेस्टिंग आपका हो गया। तो खैर समझ लीजिए, कलर ब्लाइंडनेस में आपके अक्षर देखने की क्रिया का जांच है। नेक्स्ट हम लोग देखें रंग वर्णता, बात आपको समझा दिए। एक बार एयरफोर्स में रेलवे में अगर पकड़ाएगा तो सर्टिफिकेट में ही आपका कलर ब्लाइंडनेस लिखा जाए, छेद हो जाएगा, एक छेद कर देता है कई एयरफोर्स वगैरह, दोबारा नहीं आए। क्योंकि इस जन्म में जब इलाज ही नहीं है तो एक ही लड़के को बार बार क्या जांचे।
अब बताओ रेलवे में कोई नौकरी ड्राइवर का ले ले और उसको लाल रंग का फ्यूज उड़ गया है, लाल काला दिखाई देता है, और ट्रेनिंग लाल रंग देखना तब रुकना, काला मतलब धीरे धीरे चलना, तू तो ट्रेन लेके कभी रुकेगा ही नहीं क्योंकि उसको लाल तो दिखाई ही नहीं दे। तो कुछ पार्ट जहां कलर सबसे महत्वपूर्ण है वहां कलर ब्लाइंडनेस का चेकअप आवश्यक है, नहीं तो कोई खतरा कर दे। दूसरा एक मजेदार बात समझा दे, कलर ब्लाइंडनेस आनुवांशिक हो गया, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला, और यह बायोलॉजी कहता है कि यह पुरुषों में ही ज्यादा होता है, महिलाओं को कलर ब्लाइंडनेस बहुत कम होता है। ये रोग पुरुष में ही ज्यादा है, महिला क्यों होता है बायोलॉजी में देखना, महिला में भी होता है, बहुत कम होता है, महिलाएं इसकी वाहक होती है, कैरियर होती है। वाहक मीन्स ढोने वाली, महिला ढोने वाली है, मतलब अगर मोहन प्रसाद जी को कलर ब्लाइंडनेस है और इसका एक बेटा सोहन हुआ तो संभावना है कि सोहन का भी कलर फ्यूज पूरा रहेगा। अगर बेटी गीता है तो गीता को कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा, ठीक है, लेकिन गीता कैरियर है, ढोने वाली। अब गीता का विवाह किसी अच्छे खानदान में हुआ जहां किसी भी खानदान में आज तक कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, और इसका विवाह अगर किसी, मान लीजिए कि मोहन रोहन प्रसाद जी से हो गया, अब रोहन प्रसाद जी से गीता का विवाह हुआ तो इनके पुत्र को पूरा संभावना है कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। अभी डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, डॉक्टर पूछेगा कि आपके खानदान में, तो इसकी सास हल्ला करेंगे कि आज तक किसी को नहीं, पता नहीं कैसे आ गया, तो इधर से आ गया। इसी को वाहक कैरियर कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि महिलाएं इसकी कैरियर है, ढोने वाली, पुरुष में ज्यादातर होता है, उनमें मात्रा कम होता है। तो खैर आपको इतनी बातें इसीलिए समझाया कि कई बार आपसे पूछ दे, निम्नलिखित में कौन आनुवांशिक है, निकट दृष्टि दोष, अभिन्दुकता, जरा दृष्टि दोष और रंगवर्णता। रंगवर्णता हेरिडेटरी का है, जेनेटिक है। अब नेक्स्ट हम लोग एक बात और सुन ले, हम लोग देखें कि आंख के अंदर एक लेंस, गंभीर बातें खूब बढ़िया से समझो। ज्यादा उम्र होने के कारण कई बार ऐसा होता है कि यह लेंस ही धुंधला हो जाता है, ऐसा हो सकता है, और किसी व्यक्ति के आंख के अंदर का लेंस अगर धुंधला हो जाए तो इसी को मोतिया बिंद कहते हैं। मोतिया बिंद और कोई खराबी नहीं, डॉक्टर सिर्फ यही देखता है कि लेंस खराब हो गया तो ये लेंस निकाल देगा और इस व्यक्ति के आंख में नया लेंस बैठा देगा। किसी व्यक्ति से तुम पूछना कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराए हैं तो हाँ, तो पूछना कितना के लेंस डलवाए थे, वो एक लेंस डलवाएगा पुराना हटा के। और तुम्हें इतना ध्यान से मैं क्यों सुना रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है रेलवे के क्वेश्चन सेटर के बुद्धि का, सब पढ़ लोगे और वो कहेगा निम्नलिखित में किसमें चश्मा द्वारा इलाज संभव नहीं है, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, मोतियाबिंद, अभिन्दुकता। और कई लड़के जो मूर्ख हैं वो कहेगा दादा मेरे मोतियाबिंद कराए थे ऑपरेशन तक काला चश्मा पहने। अरे वो तो कुछ दिनों के उसके लाइट की समस्या हल के लिए, थोड़े चश्मा से उसका निदान हुआ। मोतियाबिंद जिसको हो जाएगा तो नहीं समझना कि वो चश्मा लगाएगा तो ठीक हो जाएगा, उसका एक ही इलाज है, लेंस निकलवा के नया लेंस डलवाओ, और कोई इलाज नहीं। तो अब बताओ क्वेश्चन के वैरायटी जो है, वाइब्रेशन ही तो समझ में आ रहा हो, वाइब्रेशन तुमको सब पढ़े रहो, और कहेगा किसका इलाज चश्मा से नहीं हो। लड़का मोतियाबिंद देख के खुश हो जाता है कि इसमें तो चश्मा चढ़ता ही चढ़ता है, तो जान के दूसरा तीसरा मारने लगता है। ध्यान रखना है कि मोतियाबिंद में लेंस बदलाता है, चश्मा से इलाज संभव नहीं है। तो ये आंख का एक आउटलाइन थी। अब आप 10 मिनट दृष्टि दोष पर अपनी एनर्जी खूब लगाओ। तो दृष्टि दोष पर अपनी एनर्जी थोड़ा केंद्रित करो, क्वेश्चन सेट बनाओगे तो लगभग सेट में तुमको आंख से फिजिक्स में क्वेश्चन बैठ हो जाए। ग्रुप डी में तो गारंटेड जोन है, आज के क्लास से क्वेश्चन पक्का बनेगा। क्लास को मैं जिस लेवल से ले रहा हूं उस लेवल को केवल समझो, वहां अवश्य बना के आओ। अब इसमें हम चाहते हैं कि सबका एनर्जी मेरे पास आ जाए यहाँ पे, और समझिए मनुष्य ने जो ईश्वर का रेंज है
हम लोग को एक रेंज दिए हैं अस्पष्ट देखने की अधिकतम दूरी क्या है, तो सभी लोग जानते हो अस्पष्ट देखने की अधिकतम दूरी कितना है। तो आप सभी लोग को चॉइस से 25 सीएम देगा तो अधिकांश लोग मार दोगे और जीरो नंबर आएगा, ये न्यूनतम दूरी है, अनंत सही आंसर हो। सुन लो, कई लड़के तो आंख में दूरी बोलेगा तो 25 सीएम रेडीमेड किए रहता है, मैं केवल ब्रेक मार रहा हूं। कई लड़के का लक्षण देखते हैं, मानव नेत्र में स्पष्ट देखने की अधिकतम दूरी है चॉइस से 25 सीएम, मार के चलाया नेत्र में अधूरी 25 सीएम हो। अब गंभीरता से समझो, ईश्वर ने हमें जो आंखें दिया है उसके अधिकतम रेंज इनफाइनाइट। आप अनंत तक सूर्य देखो, तारा देखो, चंद्रमा देखो, एक एक तारा करोड़ों अरबों किलोमीटर की दूरी पर है, तुम देख सकते हो। शर्त केवल छोटा सा है, जिसे देखना है उसका लाइट आंख तक पहुंचे, हम देख सकते हैं। लेकिन अस्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सीएम है। 25 सीएम के अंदर दिखाई नहीं देख, अगर 25 के अंदर देखोगे तो आपको भार लगभग डेढ़ बित्ता मान के चलो कि आंख से किसी वस्तु को दूर रखेंगे तब ही दिखाई देख। तुम किसी मित्र को चैलेंज लगा लो कि नाक में किताब सटाकर 3 पेज रीडिंग मारो, 2 रसगुल्ला खिलाएंगे। अगर वो मूर्ख तुम्हारा साथी ये नहीं जानता है कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सीएम है और रसगुल्ला के फेर में अगर 3 पेज पढ़ने लग गया तो घबराओ नहीं, तुम्हारा तो 2-3 रसगुल्ला खर्च होगा, अगला दिन वो डॉक्टर यहां जाएगा और कुछ दिनों के बाद आंख पर चश्मा हो, क्योंकि उसने ईश्वर के इस मैथमेटिक्स का अवहेलना किया, 25 सीएम से अंदर देखना प्रारंभ कर दिया। अब आपको स्पष्ट हो गया कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितना है 25 सीएम और अधिकतम दूरी कितना है अनंत। इस बात को हम लोग सब लोग दिमाग में सेट कर लेंगे। अब सब लोग यहां पर समझिए, यदि इसमें कोई खराबी आता है, गंभीरता से 25 सीएम और अनंत के बीच में यदि कोई खराबी आता है तो इसी को दृष्टि दोष कहते हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सभी लड़के दृष्टि दोष खूब बढ़िया से समझो। मैं जानता हूं खूब ध्यान भी दोगे तो मैं जो पूछूंगा गलत पक्का करो, बहुत ध्यान भी दोगे तो हम जहां क्वेश्चन स्पिन, मैं फास्ट बॉल नहीं करता, भारी नहीं पूछता, एकदम लगेगा 6 मार देंगे, मारोगे बाउंड्री पर आउट हो जाओ। अगर ध्यान दिया है खूब तब लगेगा कि हाँ बना। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं, पहला 5 मिनट हम पूरे बेस सबको देने का, पूरा ध्यान हमारे साथ दीजिए। देखिए, 2 जगह की वस्तु है, एक है निकट और दूसरा है दूर, निकट और दूर। और हमारे सभी लड़के एक बात रट जाए, दृष्टि दोष उल्टी पुल्टी, उल्टी पुल्टी, उल्टा चलता है। नाम का उल्टा, नाम है नयन सुख, अब बेचारा अंधा। नाम है नयन मीन्स आंख से सुखी, अब काम है अंधा। उसी तरह का देखो कितना अच्छा दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष। नाम कितना अच्छा है, नाम कहता है निकट देखने में दोष, लेकिन तुम मुस्कुराना उल्टी पुल्टी, इसका निकट ठीक और दूर खराब हो। देख लो उल्टी पुल्टी, जिसमें दृष्टि दोष लगेगा वही ठीक होगा और अगला खराब होगा। बोलो दूर दृष्टि दोष, तो बेचारे का दूर ठीक होगा, नजदीक खराब हो। हम समझते हैं लाइन, तो समझ रहे हो। अब सभी लोग गंभीरता से सुनना, ध्यान दे, निकट दृष्टि दोष में निकट दिखाई देगा, दूर गड़बड़ है। ऐसे व्यक्ति को आपने देखा होगा, इनको दूर दिखाई नहीं देता, इसीलिए प्रायः चश्मा लगाएंगे, लेकिन निकट क्लियर है तो नजदीक वाले में चश्मा नहीं लगाएंगे। जब इनको अखबार पढ़ना होगा, किताब पढ़ना होगा, तो देखना चश्मा अपने सिर पर रख लेंगे, चश्मा अपना ललाट पर रख लेंगे। अब कोई व्यक्ति को देखो कि चश्मा सिर पर रखे हुए है, ललाट पर रखे हुए है, आ एकदम पढ़े जा रहे हैं, तो तुम कहना मेरा फिजिक्स ठीक है। जो लाइन क्लियर वही दृष्टि दोष,
इस व्यक्ति का नजदीक का लाइन क्लियर तो इसको निकट दृष्टि दोष। अभी मैं कारण और तमाम चीज भी चलूंगा। दूसरा नंबर कहता है दीर्घ दृष्टि दोष। नाम ही है दूर का लाइन क्लियर, नजदीक क्लियर नहीं। इसको दूर ठीक से दिखाई देता है, नजदीक नहीं। इसको कहोगे पेपर पढ़िए तो चश्मा लगा के पढ़ेगा, निकट क्लियर नहीं है। लेकिन कहोगे वह दूर में देखिए तो कहेगा चश्मा लाइए, दूर इसको क्लियर, सॉरी दूर इसका क्लियर है, चश्मा उठा के देखे। चश्मा उठा के दूर देखने वाला व्यक्ति जब तुमको नजर आ जाए तो समझना इसको दीर्घ दृष्टि दोष। ये व्यक्ति टीचर बन जाए तो बहुत दुख है। ये व्यक्ति अगर टीचर को दीर्घ दृष्टि दोष हो जाए तो बहुत दुख है, क्योंकि बोर्ड नजदीक है और इसको निकट क्लियर नहीं है। बोर्ड पर लिखना है तो चश्मा लगा के लिखे, और बच्चे कोई गप सप करेंगे पीछे तो चश्मा उठा के देखेगा। और लड़के एक बार समझ लें कि चश्मा उठाने के बाद ही इनको क्लियर दिखाई देता है, तो समझ ही रहे हो चश्मा उठाते उठाते सब शांत हो जाए, बेचारे को पता ही नहीं चले। तो ये एक स्पेशल फार्मूला लगाते हैं, चश्मा ही आधा नाक के पार कर लेते हैं। चश्मा आधा नाक के पार कर लिए, बोर्ड पर लिखना है तो नीचे से और देखना है तो डायरेक्ट तिरछा देख। और तुम जिस व्यक्ति को भी देख लेना, अगर चश्मा आधा नाक के पार है तो तुम मुस्कुराना कि समझ गए इनको दीर्घ दृष्टि दोष। बोलो चश्मा देख के भी लक्षण समझ रहे हो? अभी मैं आऊंगा पूरे कंसेप्ट में तुम्हारा चेक करूंगा क्या लक्षण चल। तो पहले ही बताओ निकट और दीर्घ तो सबका क्लियर हो चुका है। तीसरा नंबर आपका ठीक करें जरा दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया। निकट को इंग्लिश में मायोपिया, इसमें दीर्घ दृष्टि दोष को हाइपरमाइट्रोपिया। इसका अंग्रेजी नाम ऐसे मायोपिया दे सकता है। मायोपिया में कहां स्पष्ट दिखाई देता है तो सुना निकट स्पष्ट दिखाई देता है। नेक्स्ट सुनेंगे जरा बढ़िया से। जरा का मतलब बुढ़ापा होता है, जरा दृष्टि दोष, जरा मीन्स बुढ़ापा। ये बुढ़ापा वाला स्पेशली घंटी, ये भगवान की घंटी। कैसे विद्यालय में घंटी लगती है 6 घंटी और टुनटुनिया छुट्टी, भगवान भी उसी तरह घंटी मारते हैं। और स्कूल में जब तक घंटी ना लगे मजाल नहीं है कि बच्चे कोई पढ़े, कोई कहेगा कि पढ़ो तभी घंटी लगा है। उसी तरह अभी तुम लोग जितने जवान लोग बैठे हो अभी कोई पूजा पाठ में दिलचस्पी नहीं, अभी तो तुम मंदिर भी जाते हो पूजा करने भी जाते हो तो वहां पूजा कम डिमांड ज्यादा रहता है। एक बार झुका भी तो उधर से 2-4 चीज मांग के ही उठता है। अभी तुम लोग पूजा कहाँ करते हो, अभी तो डिमांड रखने जाते हो। जिस समय घंटी लगेगी ना तो समझ में आएगा पूजा किसे कहते हैं। और ईश्वर की पहली घंटी टन तो बाल उजला हो जाएगा, उनकी घंटी बड़ा बेजोड़ है। दूसरी घंटी टन धीरे धीरे दांत बाहर हो जाएंगे, दांत बाहर हो जाएंगे। और तीसरी घंटी यही जरा दृष्टि दोष है, अभी जो तुम पढ़ने जा रहे हो तीसरी घंटी, तीसरी घंटी। ये तीसरी घंटी कितना मजेदार है सोच लो। निकट दृष्टि दोष में दूर गायब, दीर्घ दृष्टि दोष में नजदीक गायब, और ये वाला घंटी टन तो बेचारा का दोनों गायब, दोनों गायब। और व्यक्ति को कह रहे हो किताब पढ़िए, चश्मा लेके आओ, वो वाला देखिए चश्मा लेके आओ, तो समझ लेना दोनों घंटी लग गया। ये 40-45 पार ही ये घंटी लगता है। छोटे क्लास में यानी हम लोग के बीच जितने लोग पढ़ रहे हैं, छोटे जो भी बच्चे हैं नर्सरी क्लास में, 1 क्लास में 2 क्लास में, किसी को भी निकट और दीर्घ हो सकता है लेकिन जरा 40-45 के पार ही होगा। इसीलिए कभी कभी पूछेगा किस दृष्टि दोष का संबंध उम्र के साथ, आप समझ लोगे जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष भगवान की तीसरी घंटी होगी। चौथी घंटी अगर ईश्वर मार दिए तो समझ लो सब चमड़ा सिकुड़ना शुरू हो जाए, सारा फेयर एंड लवली बेकार। अभी तो तुम जितना फेयर एंड लवली मारते हो लगता है कि एकदम क्रिच किए हुए, जब लगेगा ना चौथा घंटी सब सिकुड़ने लगेगा, लगेगा कि सारा क्रीम का असर बेकार हो रहा है। ये चौथी घंटी
पांचवी घंटी मार दिए टन तो कान से भी गए, कसकस के बोलना पड़ेगा। अब जो व्यक्ति का बाल उजला, दांत गया, ये दोनों निकट दूर गायब है, चमड़ा सिकुड़ा हुआ है, कान से भी गए, समझना पांच घंटी लगा हुआ है। और अगर ये छठी घंटी कह दे कि मेरा पैर फूल रहा है, तो ये छठी घंटी जिसको पांच लगने के बाद अगर छठी हो रहा है तो समझ लो टुनटुनिया कभी लग सकता है। बात समझ ली। और ईश्वर घंटी से जगाते हैं कि बाबू जग रहे हो तो जग जाओ, और ये घंटी के बाद आप लोग भी जगोगे। अभी तो केवल मैं कोशिश कर रहा हूं कि जरा दृष्टि दोष का उम्र से रिलेशन तुम जोड़ सको। अब तो हम समझते हैं कि सभी का क्लियर हो चुका होगा। अब अगला और खतरनाक है, अबिंदुकता, एस्टिग्मेटिज्म। अबिंदुकता का अंग्रेजी नाम क्या है? एस्टिग्मेटिज्म। और ये और खतरनाक है, इसमें क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर, एक बार में एक ही तल दिखाई देता है। अभी आपके आंख में एक बहुत बड़ी खासियत, आप खड़ा पड़ा एक बार में दोनों देख सकते हो, दोनों देख सकते हो। लेकिन जिस व्यक्ति को अबिंदुकता हो जाए, उसको खड़ा दिखाई देगा तो पड़ा गायब, अब पड़ा दिखाई देगा तो खड़ा गायब। सोचो कितना खराबी है। अगर वो रोड पर चल रहा है तो रोड दिखाई दिया तो पॉल गायब, पता नहीं किस पॉल में धक्का मार दे। और जिसको पॉल दिखाई दे रहा है तो रोड गायब, एक बार में दोनों दिखाई नहीं दे। और क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर, एक बार में एक ही तल दिखाई दे, अब तब समझ लोगे कि उसको अबिंदुकता, एस्टिग्मेटिज्म। थोड़ा कारण पे चले, उसके बाद इसका उपचार पे चले। दो से तीन मिनट और समझना है, तब हमारा क्वेश्चन राउंड चले। क्वेश्चन राउंड कितना अच्छा कर पाते हो वही जांच हो जाएगा तुम्हारे ब्रेन का। अब जरा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कारण समझा दे आपको। एक छोटी सी बात हम कमजोर लड़के को भी कर ले कि फिगर वगैरह देख के वो लोग समझ पाए। देखिए, नेत्र में एक समंजन क्षमता का गुण है, लेंस में, और इसके कारण एकोमोडेशन पावर इसको कहते हैं, एकोमोडेशन मीन समंजन करना। और उसके कारण ये है क्या, इधर से भी वस्तु देख रहा है तो प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनाएगा, और अगर नजदीक का भी वस्तु देख रहा है तो प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनाएगा। दोनों फिगर का अंतर समझो। पहला फिगर कह रहा है कि दूर की वस्तु देख रहा है। देखिए फिगर का अनुभव करिए, कई लड़का का स्वाभाविक फिगर से डर पाले रहता है, उसको ठीक करना। यदि किरण हम लगातार समानांतर लाए तो आप समझोगे कि व्यक्ति दूर की वस्तु देख रहा है, और यदि यहां पर मिल जाए तो समझना कि प्रतिबिंब रेटिना पर बना है और इसको स्पष्ट दिखाई दे। अगर एक जगह से किरण निकाले तो समझना यह निकट की वस्तु देख रहा, और ये भी अगर यहां बन जाए तो समझना कि रेटिना पर प्रतिबिंब बन रहा है। इसका दूर भी ठीक है, नजदीक भी ठीक। अगला एक फिगर बनाएंगे, उम्मीद है कि आप देख के सभी लोग समझ पाओगे। जरा खूब ध्यान से गंभीरता से फिगर को देखिए और हमें पहले बताओ इन नजदीक देख रहा है कि दूर? नजदीक देख रहा है कि दूर? बहुत बढ़िया, सभी का आंसर दूर है, बहुत अच्छा। बोलो इसको स्पष्ट दिखाई दे रहा है या नहीं? नहीं, क्योंकि रेटिना तो यहां है। बोलो इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है कि रेटिना के पहले बन रहा है कि रेटिना के बाद बन रहा है? रेटिना के पहले बन। बहुत बढ़िया, देखो बहुत अच्छा समझ रहे, तुमको धीरे धीरे आएगा किस दृष्टि दोष में रेटिना के पहले प्रतिबिंब बनता है। तो फिगर समझोगे तब ना होगा, अभी हम समझा रहे हैं तुम्हारा कंसेप्ट आ जाएगा पहले बाद वक्त। अब बताओ अगर हम यही फिगर बना रहे हैं तो तुम देख के बता लो, बोलो ये नजदीक देख रहा है कि दूर? जल्दी बोलिए, नजदीक देख रहा है। वेरी गुड। और जब ये नजदीक देख रहा है तो इसका प्रतिबिंब रेटिना के पहले है कि बाद? क्या इसको ठीक से दिखाई देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा। ये तो लाइन क्लियर है। इसी के लिए चश्मा चाहिए। ईश्वर जानते थे कि मनुष्य चश्मा जरूर लगाएगा, इसीलिए आंख के पास सही जगह नाक दिए है कि रखेगा कहां, और ठीक ठीक सही जगह कान दिए हैं वो भी ऊपर खुला कि स्टैंड कहां रखे। कल्पना करो यदि हमारे कान गाय भैंस जैसे ऊपर रहते, कल्पना करो कैसे चश्मा लगाते।
ईश्वर जानते हैं कि गाय भैंस का आंख खराब होगा, चश्मा नहीं लगाएगा, बेचारे का कान ऊपर कर दी। हम लोग का जान के एकदम आंख के सिद्ध में कान दिए और जान के आंख के सिद्ध के ऊपर खुला कर दिए कि स्टैंड रखने में बने, समझ रहा, पहले से प्री प्लानिंग है और हम लोग उसका फायदा उठाए। कान सही जगह नहीं रहता तो तुम लोग समझ रहा होगा रस्सी से बांध बांध के चश्मा लगाना पड़ता, सोच लीजिए कितना दुखद क्षण होता। तो खैर अब हम लोग यहाँ पे गंभीरता के साथ समझने का प्रयास करें, सोचें, मानव नेत्र में अभी आपको समझाएं ये निकट दृष्टि दोष का फिगर, और निकट दृष्टि दोष आप बढ़िया से समझ पाओगे। बोलो इन नजदीक देख रहा है कि दूर, पहला फिगर। क्या प्रतिबिंब रेटिना पर बना है, इसीलिए इस व्यक्ति का निकट अस्पष्ट है। देखो तुम लोग फिगर देख के सब समझ जाओ। अब बताओ दूसरा फिगर नजदीक देख रहा है कि दूर, क्या प्रतिबिंब रेटिना पर बना कि पहले, रेटिना के पहले, और इसीलिए इस व्यक्ति का दूर स्पष्ट नहीं होता। और डॉक्टर यही चेक करते हैं कि कितना दूर भाग गया, उतने पावर का अवतल लेंस लगाएंगे। अवतल लेंस डाइवर्जिंग लेंस है, किरणों को फैलाता है। कई बार सेकेंड लेवल अगर सीबीटी 2 चढ़ोगे तो क्वेश्चन दे देगा, तुम क्वेश्चन दे देगा कि बताओ निकट दृष्टि दोष में अवतल क्यों लगाते हैं, क्योंकि अवतल लेंस डाइवर्जिंग लेंस है, किरण को फैलाता है, और फैलाने के कारण यह इसका प्रतिबिंब ठीक रेटिना पर देखो बना दिया। व्यक्ति चश्मा जैसे ही लगाएगा खुश हो जाएगा। और इसी का उल्टा रेटिना के बाद दीर्घ दृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है। तो पहले रट जाओ, निकट में अवतल, दीर्घ में उत्तल, निकट में अवतल, दीर्घ में उत्तल, रट जाएगा। आपसे पूछा जाएगा निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। यदि परीक्षा में भूल गया, कई बार लड़के हमारे रट के जाते हैं, रट के जाता है, निकट में अवतल दूर में उत्तल, निकट में अवतल दूर में उत्तल, आप भूल गए, तो एक बेस दे दे। अगर परीक्षा में भूल जाना तो अपने से वहां लिख देना निकट दीर्घ अवतल उत्तल, या हो सकता है तुमसे उल्टा भी लिखा जाए कि निकट और दीर्घ दृष्टि दोष, आ कहना कि जी दो लेंस उत्तल अवतल, हमको ऐसे याद आ गया, लिख दो। और अगर परीक्षा में कंफ्यूज हो गया तो तुम्हें अभी परमानेंट चीज दे रहे हैं, बुढ़ापा तक याद रहेगा। परमानेंट चीज में भुलाने पर सोच लेना, गिन लो निकट में कितने अक्षर है, 3 अक्षर, और दीर्घ में 2 अक्षर, ज्यादा किस में है, निकट, और फिर गिनो उत्तल में कितने अक्षर, 3, और अवतल में 4, ज्यादा किस में है, अवतल में, रट जाओ, रट जाओ, ज्यादा अक्षर के खराबी तो ज्यादा अक्षर के चश्मा, और कम अक्षर के खराबी तो कम अक्षर के चश्मा। हम समझते हैं अब तो आपका एकदम परमानेंट हो गया हो, ज्यादा अक्षर की खराबी आएगी, ज्यादा अक्षर के चश्मा, कम अक्षर की खराबी, कम अक्षर का चश्मा। क्लियर है सबका? अब जल्दी बताओ, बुढ़ापा जब जरा दृष्टि दोष होगा तो इसमें डबल लगा देंगे, नहीं तो पैकेट में 2 चश्मा रखना पड़ेगा। इसीलिए जिस व्यक्ति के चश्मा में देखना या तो बीच कट जाए या नीचे गोल हो जाए तो समझ लेना उम्र 40 पार है। तुम्हारे क्लास में कोई ऐसा नहीं हो सकता जिसका चश्मा बीच से कट जाए, चश्मा बीच से कट जाए या नीचे गोल हो जाए तो रेलवे भर्ती बोर्ड कहेगा कि एक्सपायरी डेट है। बात समझ लो, यहां चश्मा होगा भी तो एक या तो उत्तल या अवतल। अब गंभीर बात समझो, चूंकि दोनों लेंस है इसीलिए इसको बाइफोकल द्विफोकसी लेंस कहते हैं। बाइफोकल को हम लोग क्या कहेंगे, द्विफोकसी, तो इसका नाम द्विफोकसी लेंस। नेक्स्ट हम लोग जरा देखें, अधिक उम्र के कारण नेत्र लेंस की समंजन क्षमता घटना ये जरा दृष्टि दोष का कारण, और अबिंदुकता का कारण नेत्र लेंस में वक्रता उत्पन्न होना है, आंख के लेंस टेढ़ा होना इसका मेन रीजन, और इसके उपचार के लिए हम लोग बेलनाकार लेंस का प्रयोग करें। बेलन को अंग्रेजी में सिलेंडर कहते हैं, कई बार बदमाशी करेगा तो दे देगा सिलेंड्रिकल लेंस, वहां ऐसे देगा, वहां एकदम हिंदी आसान नहीं दे, वहां तुम्हें तैयार रहना है नए नए शब्दों के साथ। पूछेगा सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग किसमें करते हैं,
तो सही आंसर क्या होगा, अपिंदुकता के उपचार में करते। अब आपके पास विकल्प जो आया, एक बार छोटा सा रिवीजन मारिए और सबका लाइन क्लियर सुन ले तेजी में। निकट दृष्टि दोष में निकट ठीक, दूर गड़बड़, अवतल लेंस लगाएंगे। दूर दृष्टि दोष में दूर ठीक, निकट गड़बड़, उत्तल लेंस लगाएंगे। अगर हम कहें जरा दृष्टि दोष, अधिक उम्र में दोनों गड़बड़, और इसमें द्विफोकसी लेंस बाइफोकल लगाएंगे। और अगर हम कहें अविंदुकता, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर गड़बड़, और इसके उपचार में बेलनाकार लेंस लगाएंगे। ये तो लाइन क्लियर हो गया। अब जल्दी बताएं, आपको दो क्वेश्चन सिर्फ हम देंगे, जल्दी बोले लेवल वन का दे दे कि टू का दे दे। लेवल वन का मतलब है निकट दृष्टि दोष के उपचार में कौन लेंस लगाते हैं, तावतल। अब जल्दी बोलो, क्वेश्चन दे रहा है एक व्यक्ति को दूर अस्पष्ट दिखाई नहीं देता है, दूर अस्पष्ट नहीं दिखाई देता है, उपचार में कौन लेंस लगाएंगे, जल्दी बोलिए। दूर अस्पष्ट दिखाई नहीं देता है, उत्तल की अवतल। आपको समझ लेना है कि दूर नहीं दिखाई दिया तो निकट दृष्टि दोष है, निकट ठीक है, दूर गड़बड़ है, आंसर अवतल लेंस लगाएंगे। इतना उल्टा पुल्टा ध्यान देना। तो हम समझते हैं लेवल वन तो तुम लोग ठीक ही कर लो, लेवल टू चेक कर लेते हैं। पहला लिखिए तो देखिए आपका समझदारी का लेवल क्या है। लेवल टू सीबीटी टू, एक क्वेश्चन देख लें आप। लेवल टू में आपके कल्पना शक्ति का जांच किया जाता है कि टीचर ने जो पढ़ाया बच्चों के अंदर कितने समझ विकसित किया गया, और समझ का भी जांच होगा। लिखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन व्यक्ति, निम्नलिखित में कौन व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। निम्नलिखित में कौन व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, निम्नलिखित में कौन व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। चॉइस ए। अब देखो कई बार प्रश्न का स्तर बहुत अच्छा होता है, मैं बिल्कुल ताजा प्रश्न भेंट कराऊं आपसे जो पहले से भेंट नहीं हुआ। ए चॉइस, बी चॉइस, सी चॉइस, डी, आपको बिल्कुल ताजा प्रश्न भेंट करा दे। चलिए तो देख ही पा रहे हैं कितना अच्छा अच्छा फोटो चल रहा है। चॉइस ए, हाँ खूब, आपका बुद्धि जांचने का मैं पूरा उपाय रखता हूं। अभी तुरंत ब्रेन टेस्टिंग हो जाएगा आपके अंदर बुद्धि कितना विकसित हुआ है। ये ब्रेन ही तो मेन है जो तुम्हारा ठीक करेगा, इतना स्तर सोचने लगेगा तो तुम पहलवान हो गया, थोड़ी दिक्कत होना है तुम। चलिए चार व्यक्ति आपके पास हैं, चार व्यक्ति में आप फिगर जो बनाओगे, अगर बना पा रहे हो फिगर हमारे साथ साथ, तो पहला में छोटे छोटे आंख बना लो, बिंदु दे दो, पहला फिगर में बिंदु दे दीजिए छोटा छोटा एकदम। दूसरा फिगर जो बनाओगे बी में बड़े बड़े आंख बना लो, बड़े बड़े आंख बनाओ। चॉइस सी में आपका बीच से कटा हुआ लेंस, और चॉइस डी चश्मा नहीं पहने हुए। तो आपको क्वेश्चन है किसे निकट दृष्टि दोष है, बताएंगे। अब हम समझाएं, जो लोग समझ रहे थे फिजिक्स नहीं रीजनिंग का प्रश्न है, कई लड़का तो फोटो देख के वही सब सोचने लगता है, लेकिन मैं जान के इस समझ स्तर का प्रश्न दिया कि आपके अंदर समझदारी कितना हमने विकसित किया ही चेक करें। अब सभी लोग जरा ध्यान से समझो, कौन व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है,
तो पहले बताओ निकट दृष्टि दोष के उपचार में उत्तल लगाओगे कि अवतल लगाओ? ये सभी लोग समझ रहे हो कि अवतल लगाएंगे, वेरी गुड। अवतल लेंस से वस्तु छोटा दिखाई देता है, यानी जो व्यक्ति अवतल लेंस का चश्मा लगाएगा तो जब वो चश्मा लगाएगा तो उसका आंख छोटा छोटा दिखेगा। यानी जिसको निकट दृष्टि दोष है, आप बाहर से भी जान जाओ, उसका आंख छोटा दिखेगा। अगर दीर्घ दृष्टि दोष है तो आंख आलू का फाक जैसा बड़ा बड़ा दिखेगा। जरा दृष्टि दोष है तो बीच से कटा रहेगा। ये सब तो देख के आप पकड़ लो। तो इसीलिए इसका सही आंसर कौन हो गया? ए, बिल्कुल सही सोच। अब इसमें हम लोग ध्यान से समझेंगे।